टोमेटो मिर्च आज की खाओ। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं मूली के पराठे। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या क्या यूज़ करने वाले हैं आज। गाइस ये रहे अपने मूली जो पहले ग्रेट करके रखा हुआ है मम्मी ने, और ये धनिया पत्ता, और एक हम हरी मिर्च का यूज़ कर रहे हैं, और बाकी ये इसमें क्या क्या मिक्स किया मम्मी आपने? आटा और ये अजवाइन लिया। बस आटा ही है और कुछ नहीं? नहीं नहीं और कुछ नहीं है। मैदा वैदा कुछ नहीं? अच्छा, और ये अजवाइन है, इसमें हींग भी डालेंगे हम थोड़ा। ठीक है, और नमक स्वाद अनुसार। ठीक है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये सारे सब डाल देंगे इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो बन चुका है, अब हम एक एक करके इसको बनाएंगे पराठे मूली के। अपना पराठा प्रोसेस में है, गोल सा नहीं बनाया मम्मी ने, मम्मी को तो बेलना भूल गई है। तो भाई अब मैं टेस्ट कर बताऊंगा आपको, और इसको हम लेंगे दही के साथ। ये पराठा दही का एक कॉम्बिनेशन है, हमने एक साथ ही मतलब मेन लिया। अगर आपने देखा होगा हमने मूली वगैरह सब एक साथ ही आटे के साथ मिक्स कर लिया था। अगर आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। लाइक कैसे करते होंगे उसको? इसको पहले फ्राई करना पड़ेगा, फिर मसाला को साथ। अच्छा, मूली को? हाँ, फिर उसको अंदर वो डालना पड़ेगा, फूट डालना पड़ेगा। हाँ मतलब वही अंदर स्टफिंग करते हैं। हाँ, तो वैसे भी बना सकते रहते हैं। मजे तो ये वाला इजी है, ये इजी है। एक ही बार वो सब करके और पराठा बना के और सेक देंगे, फ्राई कर लो। तो गाइस ये रहे मेरे मूली के पराठे, काफ़ी सारे लगे मम्मी ने, खाऊंगा तो मैं दही। गाइस ये रहा अपना दही, सब दही हमने घर पे बनाया है। तो आप और मैं तो चटनी वगैरह ले सकते हैं, टोमेटो सॉस। आजकल ठंड पड़ गई है ना, ठंड पड़ रही है तो काशुंडी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो खा रहा हूँ। अमेजिंग। ये भी है खीरा, खीरा तो मस्त है, बहुत ही टेस्टी बना है। कम तेल हमने यूज़ किया है, दिख रहा होगा आपको। सुबह का ब्रेकफास्ट हेल्दी भी हो जाता है और पेट भी बढ़ जाता है।